अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। बोले सो नरपै संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय। बोले सो नरपै संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की। बोले सो नरपै सर्व एक भगवान महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना दे नाल डेरा संत बाबा फूलनाथ जी, संत बाबा ब्रह्मनाथ जी दे महान पावन पवित्र स्थान ते सुशोभित है। गुरुआं दे गुरु, जगत गुरु, परम पारस संत श्रोमणी धन धन सतगुर रविदास महाराज के रसना तो उच्चारण की हुई अमृतमय बाणी के गोच सुशोभित है। बाबा फूलनाथ महाराज जी दे अकाट में सालाना बरसी के उपलक्ष के अंदर दूरों नेड़े देश अते विदेश दे विचों उचेचे तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते संगत पहुंची है। समुची संगत का देश अते विदेश चों पहुंचे हुए श्रद्धालु गुरमुख प्रेमियों का वख वख अस्थानों तो डेरियां तो आए हुए महापुरशां दा कोटन कोट धनवाद धनवाद गुरु महाराज का सतगुरां का जिन्हां दे आशीर्वाद नाल जिन्हां दी कृपा दे नाल आपां अज सारे महाराज दी गोच बैठ के बाबा फूलनाथ महाराज जी नूं याद कर रहे हैं। नगर धाने पिंड उपल जगीर, माता पिता धान्य है, वो कोल धान्य है और वो संगत धान्य है जिस कुल दे विच इहो जिहे महान महापुरशां ने जन्म लिया है। नमन करदे उस उपलां दी धरती नूं जिथे महाराज जी ने अपना ये जन्म धारिया है। बाबा फूलनाथ जी जिन्हां दा बचपन का नाम भाना राम, लगभग मैक्सीमम एसटीमेट 12 साल पूरे करन तो बाद 13वें एक साल दे विच करो चले गए ते कलकत्ते जाके उत्थे अपनी मेहनत किरत की। थोड़े समय लई लैदर का काम, चमड़े का काम भी किया। बस उत्थे
महापुरशां दी मंडली मिल गई। जिमें अज इस मंच तो वख्यान हुई है, इस मंच तो चर्चा हुई है, गुरमुख संत मंडली महापुरशां दे नाल ऐसा सुमेल होया है और उन्हां दे नाम दे विच ओ रंगे गए। संत बाबा धूनी नाथ जी, संत बाबा योगा नाथ जी और इन्होंने भाना राम नूं बाबा फूल नाथ बना लिया। बहुत कठिन मेहनत ते तपस्या ते भगती अबंदगी इबादत बाबा फूल नाथ जी ने गुरु लोगों के सतगुरों के हुक्म के मुताबिक घालना घाड़ी और संगतां नूं बेहद प्यार ते नाम बाणी दे नाल जोड़िया। सात संगत जी, बाबा फूल नाथ जी जिन्हों आप अज पाकिस्तान कह लीए, बंगलादेश कह लीए, नेपाल कह लीए, भारत की स्टेट कोलकाता कह लीए, होरना स्टेटा च और पंजाब दे विच काफ़ी उन्होंने भ्रमण किया है और उन्होंने जिथे जिथे भी गए और उन्होंने शन तो छपरी तो ढारे ढारे तो कुल्ली तो हर जगह अपनी जिंदगी की शुरुआत की। रहीमपुर उत्थे भी शन बनाई, जैतेवाली च शन बनाई, इस स्थान ते आके शन बनाई, अज रामूवाल दे विच भी उन्हां दी याद च स्थान बन गया। उत्थे भी महाराज जी ने लंबा समा बतीत करदे रहे और गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा फूल नाथ जी दे संपर्क दे विच बाबा ब्रह्मनाथ जी आए। जिमें धूनी नाथ ते योगा नाथ जी ने बाबा फूल नाथ जी नूं अपने नाम दे विच रंग लिया और इस तरह बाबा फूल नाथ जी ने बाबा ब्रह्मनाथ जी नूं अपने नाम दे विच रंगिया और उन्होंने इस स्थान पर गुरमुख प्यारे बाबा फूल नाथ जी दी जिहड़ियां सेवावां आ बड़े सुचजे ढंग दे नाल रह के उन्होंने निरंतर संगतां तक उपड़दा रखिया है। 26 मई 2003 सोमवार बाबा ब्रह्मनाथ जी इन्हां सेवावां नूं निभाउंदे होए जिम्मेवारी दासां नूं दे गए ते दास ने संगत मूहरे झोली फैलाई भी ये मंजिल ये रास्ता बड़ा कठिन है, संगत की कृपा होए, गुरु लोगों का आशीर्वाद होए, सतगुरों का आशीर्वाद होए ते ये मंजिल तय हो सकती है। आप सारी संगत दे सहयोग दे नाल, प्यार दे नाल, श्रद्धा भावना दे नाल, इतफाक दे नाल ते गुरु लोगों के आशीर्वाद दे नाल ते सतगुर की कृपा दे नाल अज तुसी इहदा आनंद माण रहे हो। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं एक गल कहनी जरूरी समझदा, बाबा फूल नाथ जी दा जदों आखिरी समा आया ते उस वक्त पहला सारे श्रद्धालुओं नूं मिल के आए जिथे जिथे भी सी और उन्हां नूं
यही दसते रहे बई तुसी आयो बई, पर गुरमुख प्रेमी कहिंदे बई बाबा जी अगे सुनेहा दिंदे सी 9 जून का भाव 27 जेठ का मेला, लेकिन गुरमुख होवे रमजी होवे रमज पछाणा है मूर्ख जन्म गवावे। गुंगे दियां रमजां गुंगे दी मां जाणे, हुण महापुरशां दी रमज साडे सब तों बाहर निकली सारिआं दे। फिर रूहानीयत दे तौर ते फिर सारिआं नूं मिले, और इहदी उदाहरण मैं सारिआं दे सन्मुख करां। तो जदों बाबा जी आखिरी समय ते है, ध्यान दिओ सारे, बाबा फूलनाथ जी ने सेवादारां नूं हुक्म कीता है, जिहड़े उस वक्त बजुर्ग सीगे महाराज दे कोल रहण वाले, और उस वक्त दे जिहड़े महात्मा सी ओह ते उहनां दे विच संत बसंत राम भी है पिंड चिहड़ू वाले, उहनां दी गद्दी च अवतार दास जी है। तो हुक्म कीता सेवादारां नूं महापुरशां नूं, कहिंदे बई ब्रह्मनाथ नूं फलौर नूं भेजो। गोकल राम हकीम सी बई, ओ देसी हकीम सीगा बई, ब्रह्मनाथ जी नूं फलौर भेजो ये दुआ लैके आउण। सारे ने सलाह की, ठीक है आप जी का हुक्म है। ब्रह्मनाथ जी ने नमस्कार की, दंडौत वंदना की, नमस्कार की, हुक्म मनिया, ठीक है गुरदेव जो आप जी का हुक्म। जो मेरे ख्याल फगवाड़े नहीं पहुंचे होने, तो फिर सेवादार कट्ठे कर ले, आ जाओ बई अके हुक्म। कहिंदे बई ब्रह्मनाथ रास्ते च जांदा आ बई, हुण अपनी तैयारी है ते जिहड़ी सेली टोपी है जिहनूं आपां गुरगद्दी कहिंदे आ, इस अस्थान दे वारस जिहड़े है ओ उहनां नूं सुपुरद करनी है। पुराने बजुर्ग सीधे साधे ते महापुरश सीधे साधे, ओ महापुरशां नूं कहिंदे वी तुसीं महाराज जी चंगे है, अपने चेले नूं अपने बच्चे नूं कोल हुंदिआं होइआं उहनां नूं फलावर भेजता दूर भेजता, जे इह गल सी पहलां ही उहनां नूं दस दिंदे ओह इत्थे रहि लैंदे। ओह कहिंदे इसे करके तां भेजिआ वी उहदे नाल प्यार आ। इसे करके भेजिआ उहदे नाल प्यार आ। तो संगत दे नाल महाराज दा सारिआं दे नाल प्यार रहा। तो ओह कहिंदे बई जदों इदां दा समां आउंदा ते जिहड़े महापुरश है ओह अपने बच्चिआं नूं अगे पिछे कर दिंदे है, ओह गल सच सिद्ध होई। ते फिर अज वह परिवार कवंटरी च मौजूद है, नकोदर तो गिंडा गोत है, नकोदर बस अड्डे के नाल महला अर्जन नगर है, उत्थों का हजारा राम है बजुर्ग, वह भी लैदर का काम करता चमड़े का काम करता, वह उस वक्त अमृतसर गया होया अपने चमड़े के कार विहार के संबंध च। महाराज जी वो पहुंचे, वह कहते तू इत्थे मगन होया आ, आपा तैयारी की आ, आपा जाना आ, तू आ जा चिहेड़ू नूं। वो कहिंदा है तो हुण ध्यान लियो, थोड़ा कु टाइम पहला खुद आप जाके नकोदर आए आ, मिलके आए आ, जदों लास्ट टाइम आया तो फिर हजारा राम कोल सुनेहा दिता आप गए रूहानी दे तौर ते, वो सारा परिवार मौजूद है। मैं हुण जाके आया इंग्लैंड, 2 तरीक नूं गया, 10 नूं आया, परसों ही आया 1 हफ्ते लई। तो हजारा राम कहिंदा ठीक है गुरु महाराज मैं आया, आप जी का हुक्म है तुसीं याद कीता तां मैं आया।
ते हजारा राम दे उस वक्त दिमाग ने कम किया क्योंकि उदो रीति रिवाज परंपरा मर्यादा बहुत घट सी इहो जिहा फैशन घट सी ते हजारा राम एक पुराना कोई जिहड़ा एक्सपर्ट सीगा ट्रेंड बंदा जिहड़ा सीगा फोटोग्राफर नाल लै उदो काले जे कपड़े च बड़ के फोटो खिंचदे हुंदे सीगे दस या बारह उहदे विच फोटो निकलदियां सी नैगेटिव हुंदा ही रील पैंदी सी ते की होया उह सेवादार नूं नाल लै के आया हजारा राम ते हुण ध्यान दिओ ते इत्थे सारी तैयारी लगभग मुकम्मल है उस समय सिर पहुंच गया इत्थे दा रामचंद कलेर मेला राम ए बजुर्ग जिहड़े इत्थे दे कलेर ए रामचंद अपने लांबड़े दे कोल हुसैनपुर चल गया रामचंद नूं उत्थों दे परिवारक मैंबरां ने कहा वी तूं आ रसोई ते छत जी पा के जाई ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਮਚੰਦ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਅਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਚੇਲਾ ਜਾਣੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰਿਵਾਜ ਕਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਲ 12 ਦੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਬਚੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰੀਲ 10 ਦੀ ਸੀ 8 ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ 2 ਬਚੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਹਿ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਦੇਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਸਾਧੂ ਖੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗੇ ਸਭ ਕੀ ਖੈਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰਮਨਾ ਜੈਸੀ ਬਿਰਛ ਕਰੇ ਧੁੱਪ ਸਹੇ ਸਰੇ ਆਪਣੇ ਔਰੋਂ ਕੋ ਛਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾ ਜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦਾ
ढंग तरीका ही नहीं, मैनू तो कुछ सिख मत ही नहीं, कोई सोझी नहीं, की करिए। निर्गुण आ रहा है, को गुण है साढ़े तो कोई गुण ही नहीं। कहते भी हूँ महाराज तुहाडा टाइम आ, तुसी बोलो। तो किसी ने लिखिया, बे बोल दे दी तैनू खबर नहीं, बे बोल दे दी तैनू खबर नहीं, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा है अंधा आप बनिया, ढूंढे बार उसनू, बे बोल दे दी तैनू खबर नहीं, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा है अंधा आप बनिया, ढूंढे बार उसनू, बाग मुर्गियां कूड़ा फरोलदा है, भला बुझते कौन है बिच तेरे, भला बुझते कौन है बिच तेरे, शायद ओही होवे भजे नू तू तोड़दा है। ओ बुल्ले शाह जुदा नहीं रब तेथो, ओ बुल्ले शाह जुदा नहीं रब तेथो, आपे आवाज मारे ते आपे बोलना बड़ा औखा, ध्यान देना। जदों आखिरी स्टेज आती तो कहते कुछ बोल, ओ अखा गाड़ आ तेरे तेरे कोल आ कोई गल कर ला, पर बोलना बड़ा औखा। पर जदों सतगुरु कृपा करे फिर कुछ गल बन सकती है। और गुरु मेरी साध संगत जी, आओ पंक्ति पढ़न तो पहले समा ज्यादा हो गया, ये समा 17 अक्तूबर नू भी ज्यादा होना, ते एक समा 28 अक्तूबर नू भी ज्यादा होना, आ 3 संगरांदा जिहड़ियां आने वाली है ये 17 17 दी है। पिछली संगरांद ते भी दस्सिया है, बरसी ते भी दस्सिया है, 3 संगरांदा जिहड़ियां आने वाली 17 17 दी है, उहदे विच जिहड़ी 1 अक्तूबर दी संगरांद आनी है उहदे विच 5 वजणे है, एक 28 अक्तूबर दा समागम है बाबा फूलना जी याद दे विच, 7वां समागम आ उह। कला रूहानियत के पक्ष च नहीं, समाजिक पक्षा च भी बाबा फूलना जी ने ब्राह्मणा जी ने प्रेरित किया है, एजुकेशन पक्ष के भी बाबा फूलना जी ने बाबा ब्राह्मणा जी ने प्रेरित किया है, एजुकेशन के पक्ष चो बाबा फूलना जी की कुटिया से रोज मेला लगता सतगुर रविदास पब्लिक स्कूल जैते वाले, तो जो 7वां समागम है वह लवली दी ग्राउंड च होना है, संत बाबा फूलना स्पोर्ट्स क्लब, उन्ने सिर ते बाल नहीं जिन्ना कर्जा आ, पर परवाह नहीं करी दे गुरु दे हुंदे आ, उहदे ते 4 तों 5 लाख रुपया खर्च करना है, और उहदे विच वड्डे वड्डे खिडारी आउणगे और उन्हां नूं सन्मान करांगे, प्यार चाहीदा, तुहाडा सहयोग चाहीदा है, 28 दा मेला भी वेखण योग होएगा। इदां ही 4-5 चैनल लाइव टैलीकास्ट देणगे उस दिन दा प्रोग्राम, और ओदे विच जिन्नी संगत आएगी उन्होंने जेडे पकरी प्रभु स्वामी असी ओट आसरा सतगुरु दा रखिया है, तकिया है, ते किते साडे ते भी कृपा हो जाए ते गल बन जाए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जीवन गुरु महाराज की कृपा दे नाल सफला हो जाए। आओ शब्द पढ़ लीए, कृपा करियो तुसी सारे रल मिल के ये पंक्ति पढ़ियो नाल साथ दियो, कृपा करनी है। सारे महाराज जी जाच बैठे हैं और उन्होंने दर्शन दिदार ने,
किसने अपने गुरां दा करना जी जरूर चाहिदा, दर्शन अपने गुरां दा करना जी जरूर चाहिदा, दर्शन अपने गुरां दा करना जी जरूर चाहिदा, दर्शन अपने गुरां दा करना
ठंडी करो, पानी पाओ और श्रद्धा जी मजबूत होनी चाहिए है प्यार दी, इश्क दी और वो नाम दी। जिथे जिथे तुम जुड़े हो अपने हिरदे च अपने सतगुरु याद करो, कोई ऑब्जेक्शन एलीगेशन कोई कंडीशन नहीं, जिथे जिथे लगे आ लगी रहे। पर जिन्हां दी नहीं लगी अरदास करो सतगुरु के चरणा च, कितने उन्हां दी भी कितने ना कितने लग जाए तो जुड़ जाए मन मुक्त गुरमुख हो जाना। जिन्हां दी लग गई है तो फिर अपने सतगुरु की कह रहे हैं बधी हुई है। सतगुरु ये जीव नूं मिलना चाहते हैं ते ये जीव सतगुरु नूं मिलना चाहता है। ऐसा प्रेम का तीर मारिया है मदहोश हो गया है पर शुद्ध बुद्ध नहीं रही तो सतगुरु याद कर रहा की कह रहा हो लगा होया सुख सरी
सामने है, गुरु सामने है। अरे नमाणी रूप पाप दास संगत रूप के विच वो सामने है, ते जदो सामने हो गए ते फिर की होया, तेरी ईद होती है तो मेरी दीद होती है, तेरी ईद होती है तो मेरी दीद होती है, आरल में ईद मना ले। गुरु अते चेला गलबकड़ी पाके मिल पे रूह एक हो गई, बस वही तो ही